कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे हिंदी के पेपर लेके आ चुके हैं, और साथ ही इस वीडियो को आपको यहाँ पर देखना और पूरे पेपर को आपको कंप्लीट अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना। साथ ही पूरा पेपर हम आपको यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराएंगे, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट से लेकर क्वेश्चन तक पूरा सोल्यूशन करा जाएगा एक ही वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर हिंदी पेपर लाएँ। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर रोल नंबर निकल रहा था और यहाँ पर थे हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा बस 2024, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मैन 2024। आपके यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट के पेपर है और मार्क्स आपका 80 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 रहेंगे। ठीक है, आपके निर्देश आते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है। फिर दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बस 19 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक के निर्धारित है। तो आपके निर्देश आते हैं तो आप यहाँ पर निर्देश ही पढ़ सकते हैं। अब चलिए जो आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प 6 नंबर के, तो आपके यहाँ पर जुगल दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपके सही विकल्प आते हैं 6 नंबर के, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पर याद कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है, तो पहले आता है हिंदी के पद्य साहित्य को बांटा गया 4 कालों में, 5 कालों में, 3 कालों में, 6 कालों में। तो जो आपके यहाँ पर दिए हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है, तो इसका आंसर आपका आ रहेगा 4 कालों में। अब आपका यहाँ पर दूसरा आता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता कविता में कभी हताश व दुखी क्यों है, तो आपका आता है आर्थिक हानिकरण, बात अपराध के कारण, और साथ परिवार से बिछोड़ने के कारण, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका यहाँ पर दिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कभी हताश व दुखी क्यों है, तो इसका आंसर आपका सारा परिवार से बिछोड़ने के कारण। अब आता आपका तीसरा, जहाँ शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता वहाँ होता है शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उपहार अलंकार, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका यहाँ पर दिए जहाँ शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता वहाँ होता है आपका शब्द अलंकार। ठीक है, तीसरे करेगा आपका करेक्ट आंसर। अब आता आपका चौथा, बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है आकर्षक वस्तुएं, उपहार की वस्तुएं, उधार की वस्तुएं, घर की वस्तुएं। तो आपका जो यहाँ पर दिया बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है, इसका आंसर आपका आ रहेगा आकर्षक वस्तुएं। अब आता आपका पांचवा, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य। तो पांचवें का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब आता आपका छठा, ईश्वर बाबू अपना आदर्श मानते थे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका दा रहेगा किशन दा को। तो जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कर लीजिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था, बादल राग कविता में सुखों को डोंडो बताया गया है, तो यहाँ पर बादल राग कविता में सुखों को आ स्तर बताया गया। ठीक है, पहले का उत्तर आपका आ स्तर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले से सोल्यूशन हमने कर रखा है, यहाँ पहले से टिक कर दिया पेन से, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था, भक्ति काल की प्रेम मई सगर फिल्म कभी जायसी है, तो जायसी आपका यहाँ पर दूसरी रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है, भक्ति और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, तो तीसरे का उत्तर आपका सेवक स्वामी हो जाएगा। ठीक है, फिर चौथा आता है, संचय भाव की संख्या 33 मानी गई है, 33 आपका यहाँ पर चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 रहेगा आपका चौथे का करेक्ट आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते पाँचवा रिक्त स्थान, तो पाँचवा आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आता है, उल्टी पिरामिड शैली को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, तो आपका 3 आपका रहेगा करेक्ट आंसर। फिर छठा तो और शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, तो क्षेत्रीय शब्द आपका 6 में रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। तो जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आती हैं आपकी सही जोड़ी के मिलान कर लिखिए, आपकी आती है 7 नंबर की, तो पहले आती है कविता के बहाने, तो जो आपके कविता के बहाने के लेखक हैं वो है आपकी कुंवर नारायण, और दूसरी आती महाकाव्य, तो महाकाव्य को मैच करना आपको यहाँ पर कामायनी से, और तीसरी आती आपकी भक्तिन को आपको महादेवी वर्मा से मैच करना है, और चौथी आती अर्थ के आधार वाक्य प्रकार, तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर बाकी प्रकार होते हैं आपके यहाँ पर 8, तो चौथी आपको 8 से मैच करना। ठीक है, जो पांचवी आती जूज, तो जूज को आपको किससे मैच करना, ठीक है, जूज को मैच करना आपको यहाँ पर डॉक्टर आनंद यादव, ठीक है, जो यहाँ पर जूज कहानी के लेखक हैं वो आपके डॉक्टर आनंद यादव हैं। और जब छठी आती कहानी का केंद्र बिंदु, तो कहानी का केंद्र बिंदु होता है आपका कथानक, तो आपको 6वीं कथानक से मैच कर देना है। और जो 7वीं आती भाव विस्तार, तो भाव विस्तार को आपको पलवन से मैच करना है। तो जो आपकी सही जोड़ी वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, हमें यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। अब चलिए आपके आते हैं प्रश्न 4 आता है, निम्नलिखित प्रश्न उत्तर 1 शब्द वाक्य में लिखिए, 7 नंबर के आते हैं। पहला था, शेर के बच्चे का असल नाम क्या था, तो पहले का उत्तर रहेगा आपके यहाँ पर, शेर के बच्चे का असल नाम चांदी सिंह था। ठीक है, पहले का उत्तर आपके यहाँ पर चांदी सिंह हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आपके यहाँ पर दूसरा था, विस्तृत कलियर वाली काव्य को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर, विस्तृत कलियर वाली काव्य को कहते हैं महाकाव्य। ठीक है, तो दूसरे का उत्तर आपका महाकाव्य हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका तीसरा था, दूरदर्शन वाले
कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं? तो इसका उत्तर रहेगा, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न इसलिए पूछते हैं ताकि वह रो पड़े। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं तीसरे का उत्तर रहेगा आपका ताकि वह रो पड़े। अब आता आपका चौथा, तकनीकी शब्द अंग्रेजी किस शब्द का हिंदी पर्याय है? तो चौथे का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर टेक्निक। ठीक है, चौथे का उत्तर आपका टेक्निक हो जाएगा। अब आता आपका पाँचवा, पुनरुक्त शब्द युग्म के दो उदाहरण लिखिए। तो आपको यहाँ पुनरुक्त शब्द युग्म के दो उदाहरण लिखना है। तो इसका उत्तर रहेगा आपका बार बार जाते जाते, ये आपके यहाँ पर पुनरुक्त शब्द के दो उदाहरण हो जाते हैं। अब आता आपका छठा, डेडलाइन किसे कहते हैं? ठीक है, तो डेडलाइन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आपका क्या रहेगा, इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी काम को करने की आखिरी समय सीमा, ये आपके यहाँ पर डेडलाइन। ठीक है, किसी काम को करने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। यहाँ आपका सातवां आता, गगन में सागर भरना का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर गगन में सागर भरने का अर्थ होता है थोड़े से बहुत अधिक कहना। ठीक है, ये आपके यहाँ पर दिया गया एक शब्द वाक्य में होता है सॉल्यूशन, आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले का होता है चांद सिंह, दूसरे को होता है महाकाव्य, तीसरे को होता है आपका ताकि वह रो पड़े, चौथे को होता है आपका टेक्निक, पाँचवें को होता है आपका बार बार जाते जाते, छठवें को होता है देख लीजिए सातवें का। ठीक है, आपका एक शब्द वाक्य में होता है सॉल्यूशन दिया गया, तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी आएगी। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, सत्ता सत्ता चयन करके लिखिए, आपके आते हैं छः नंबर की। पहला आता है प्रवासी डायरी बच्चन की आत्मकथा है, तो पहला आपका सत्य रहेगा। फिर दूसरा था खरीद नहीं सकती कोई लेखक ने परचेजिंग पावर का अर्थ, दूसरा भी आपका सत्य रहेगा। फिर तीसरा था कला अच्छा भैंस वर्ग का अर्थ है साचा होना है, तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा सत्य सत्य देख लेते हैं। तो चौथा आपका आता है जूत कहानी गोदन उपन्यास का अंश है, तो जो आपका चौथा यहाँ पर दिया गया वो आपका रहेगा यहाँ पर क्या, असत्य, चौथा आपका असत्य है। पाँचवा था मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो पाँचवा आपका सत्य रहेगा। और छठवा था संधि अलंकार प्रयोग से अंत तक संसा बनाया जाता है, तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सत्य असत्य का सॉल्यूशन, पहला आपका सत्य, दूसरा भी सत्य, और तीसरा असत्य, चौथा असत्य, पाँचवा सत्य और छठवां सत्य। आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आपका सत्य असत्य का सॉल्यूशन है। अब आते हैं आपका प्रश्न छः, बड़े बड़े राजा किस पर निछावर होते हैं? और अथवा आता दिशाओं को मृदंगी तैयार बजाने से क्या तात्पर्य है? तो जो आपका अथवा का दिया गया दिशाओं को मृदंगी तैयार बजाने से क्या तात्पर्य है, इसका हम सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर आपका रहेगा दिशाओं को मृदंग बजाने से क्या तात्पर्य, आपका प्रश्न दिया गया। साथ ही इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका तात्पर्य है कि पतंग उड़ाते समय बच्चे ऊंची दीवारों से छतों पर कूदते हैं तो उनकी पदचापों से एक मनोरम संगीत उत्पन्न होता है, या संगीत मृदंग की ध्वनि की तरह लगता है, साथ ही बच्चों का शोर भी चारों दिशाओं में गूंजता है, यह आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न छठवें का अथवा का उत्तर है। साथ ही जो आपका ऊपर का प्रश्न है, साथ ही जो अथवा का प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को आपको याद करना है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में एक ही प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ठीक है, लेकिन आपको दोनों ही प्रश्नों को याद करना है। अब आता आपका सातवां, नई कविता की दो विशेषता प्रवृत्ति लिखिए, अथवा आता प्रयोगवाद की दो विशेषता प्रवृत्ति लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिए नई कविता की दो विशेषता प्रवृत्तियाँ लिखिए, इसका उत्तर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका उत्तर। ठीक है, आपके यहाँ पर नई कविता की आपकी दो विशेषता हो जाएंगी, लघु मनोवाद की प्रतिष्ठा और प्रयोग में नवीनता। साथ ही इनका आपको जो यहाँ पर वर्णन दिया है थोड़ा थोड़ा सा ये भी लिखना है, तो आप यहाँ पर स्क्रीन से ले लीजिए, आपको अच्छे से यहाँ पर दोनों विशेषताएँ याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते आठवां क्वेश्चन, परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशय है, अथवा था सीरीज को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया परचेजिंग पावर से लेखक का क्या अभिप्राय है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका उत्तर दिया गया बाजार की चकाचौंध से दूर परचेजिंग पावर का सकारात्मक उपयोग। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना। ठीक है, आप देख लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आता आपका रेखाचित्र और संस्करण में आपको यहाँ पर दो अंतर लिखने हैं। ठीक है, तो इसका भी उत्तर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। साथ ही जो अथवा जीवनी और आत्मकथा में कोई दो अंतर लिखिए, तो आपको अथवा का भी याद करना, लेकिन जो आपके यहाँ पर दिया गया था संस्मरण और रेखाचित्र में आपको दो अंतर लिखने, तो तीन अंतर यहाँ पर दिए गए, तो आपको तीनों अंतर को याद कर लें, जिससे आपको कोई भी अंतर भूले तो आपसे बन जाए। ठीक है, क्योंकि पेपर में यहाँ पर पॉइंट भूल जाते हैं, इसलिए आपको तीनों पॉइंट को याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं दसवां, संधि अलंकार की परिभाषा उदाहरण शैली लिखिए, अथवा था भ्रांति में अलंकार की परिभाषा उदाहरण शैली लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया संधि अलंकार की परिभाषा आपको लिखना है उदाहरण सहित, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर संधि अलंकार की परिभाषा दी गई है, साथ ही इसका उदाहरण भी आपके नीचे दिया गया है। ठीक है, तो अच्छे से आपको यहाँ पर याद कर लेना है और स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आता दो छंद की परिभाषा उदाहरण शैली लिखिए, और अथवा आता लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण शैली लिखिए। तो जो आपका अथवा दिया गया है, तो जो आपका यहाँ पर अथवा दिया लक्षणा शब्द शक्ति परिभाषा उदाहरण शैली लिखिए, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर लक्षणा
शब्द शक्ति परिभाषा दी गई, जहाँ जब किसी शब्द का अविधा के द्वारा मुख्यार्थ का बोध न हो तब उस शब्द के अर्थ का बोध करने वाली शक्ति को लक्षण शब्द शक्ति कहते हैं। इसको उदाहरण भी आप यहाँ पढ़े थे, महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे, और दूसरा उदाहरण हो जाएगा रामू तू गधा है। आपके यहाँ पर दो उदाहरण भी दिए गए हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, बारहवां आता राजभाषा और राष्ट्रभाषा, आपको दो अंतर लिखना है, अथवा आता अर्थ के आधार वाक्य प्रकार लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको यहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर दिखा देते हैं, तो वो आपको याद कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपका यहाँ पर अंतर दिए, दो पॉइंट दिए, तो दोनों पॉइंट को आपको याद कर लेना है। ठीक है, अच्छे देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, तेरहवां प्रश्न आता है जिसमें आता है क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सही लिखिए, अथवा निपात की परिभाषा उदाहरण सही लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया निपात की परिभाषा उदाहरण सही लिखना, तो आपके यहाँ पर उत्तर दिया है, या आपके यहाँ पर निपात की परिभाषा दी गई, साथ ही उसके उदाहरण दिए भी, तो तक केवल ही मात्र आदि, आपके यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर इंटरनेट पत्रकारिता क्या पूरा आपको लिखना अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर दिया इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता, पूरा आपको लिखना है। ठीक है, इस तरह से। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है पंद्रमा, आता है स्वर बाबू के चरित्र की दो विशेषताएँ लिखिए, अथवा आता है जूझ कहानी की प्रमुख पात्र की दो विशेषताएँ लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया स्वर बाबू के चरित्र की दो विशेषताएँ लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर दी गई हैं। यशोदा बाबू परम्परावादी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और आपके यहाँ पर पांच विशेषताएँ दी हैं, तो आपको यहाँ से कोई तीन, आपको पूरी पांच विशेषता याद कर लेना, क्योंकि अगर आपको कोई विशेषता भूले तो आपको कोई दिक्कत भी ना जाए, पूरा आपको याद कर लेना, छोटा सा उत्तर है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आता है यहाँ पर तुलसीदास अथवा हरिवंश राय बच्चन का, आपको यहाँ पर काव्यगत परिचय लिखना, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए, दुर्रचना लिखना, भावपक्ष के लाभ पक्ष लिखना, साहित्य में स्तर, तो अथवा लगा दोनों में से आपको एक पे करना, और जो इनके आंसर है वो वीडियो के लास्ट में बताएंगे। सत्रहवां था महादेव वर्मा अथवा जयंत कुमार का, आपको यहाँ पर साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है, आपको दो रचनाएं पांच शैली और साहित्य में स्थान। ठीक है, तो अथवा लगा दोनों में से आपको एक पे लिखना है, साथ ही आपको बता दें कि जो आपके यहाँ पर रचना रहती है आपको रचना को सही लिखना है, क्योंकि जो यहाँ पर कॉपी जांचने वाला रहता है वो सिर्फ आपके यहाँ पर रचना को पढ़ता है, और आपकी रचना सही रहती है तो पूरी पूरी मार्क्स मिल जाती हैं। अठारहवां था भाव पालन कीजिए, जरा और मृत्यु दोनों जगत की प्रमाणित सत्य हैं, तो इसका आपको जो यहाँ भाव पालन का मतलब रहता है भाव विस्तार, यानी जो आपकी लाइन दी है इसका आपको अर्थ समझाना है। अथवा था तो अथवा देख लीजिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी संदर्भ में आपके और आपके पिताजी के बीच के संवाद को लिखिए। फिर आपको 19वां प्रश्न आता जिसमें आपका आता आपरी पदांश, तो इसे आपको पढ़ लेना, इसके तीन प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न होता है आपको इसी आपरी पदांश से मिल जाएंगे, और साथ ही जो आपका आपरी पदांश रहता है तो थोड़ा कठिन रहता है, और जो आपका आपरी गद्यांश है जो कि अथवा का है, तो आपको आपरी गद्यांश को करना है, क्योंकि आपका इस सरल रहता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पढ़ लेना आपको, और इसके तीन प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न को तो आपको आसानी से इसी मिल जाएंगे, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है इसमें, ये आपके फ्री के नंबर रहते हैं, कुछ याद भी नहीं करना पड़ता आपको इसमें। और 20वां प्रश्न आता है, तो 20वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपको पदांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है, मैं इसमें सुनागापन किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है, वह तो देख लीजिए। ठीक है, फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका आता गद्यांश, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, तो आपको इसे भी ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, भक्ति नौ मेरे बीच में सेवक स्वामी की संबंध है, यह कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई भी स्वामी नहीं हो सकता, इस तरह से आपका दिया, तो पूरे ध्यान से पढ़ लेना, फिर इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। फिर आपका यहाँ पर 22वां प्रश्न आता हो 23वां प्रश्न देख लीजिए, फाइनली पूरा आपका यहाँ पर हिंदी पे हो चुका है, और साथ ही जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए, जो क्वेश्चन आपका 18 से लेकर आपके यहाँ पर क्वेश्चन 23 तक का सोल्यूशन आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखिए, तो आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और साथ ही आपको PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टिक बाय।